बैठी हूँ बैंगलोर बस में, ऑलमोस्ट मतलब फर्स्ट टाइम ही बैठी हूँ बैंगलोर में बस में। सो मैं और दी हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आज बनेर घट्टा। तो अभी ये बस ली हमने माला सदी तक, वहाँ पे जाके बस चेंज करेंगे और फिर देखेंगे हम कि बनेर घट्टा तक कौन सी बस जाएगी। तो आज हमने सोचा हम कैब में नहीं जाएंगे, पैसे बचाए जाए एडवेंचर कर रहे हैं। कैब मुझे पैसे बचाना नहीं, कल इस महारानी ने शॉपिंग की है, उसको पूछो पैसे कहाँ बचा रही है ये। मैराथनली यहाँ पे भी कंडक्टर को पूछा, वो कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ राइट साइड तो आपको मिलेगी बनेर घट्टा वाली बस। तो हम क्रॉस क्रूज कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपको। वैसे भी बस स्टेशन का नाम भूल गई है, बस स्टेशन का कीमती नाम भूलने के बाद ये यहाँ आके पी लिया गन्ने का रस। साक्षी पियेंगे आप? इनको बोलो, इनको बोलो नींबू पुदीने डाल दो। पुदीने को क्या बोलते हैं यहाँ की भाषा में, क्या पता तुम्हें? इस लड़की ने इतने सालों में यही एक वर्ड सीखा है। अब हमें पता नहीं आगे बस हमें कहाँ से मिलने वाली है। एज पर द कंडक्टर हमें बोला गया इस साइड से कहीं से मिलेगी, हम देखेंगे। ये महारानी ऐसे हंसते हुए दांत निकालते जा रही है आज, और मुझे अभी तक बस स्टैंड का नाम नहीं पता कहाँ होता है। बनेर घट्टा होगा फाइनल, वहीं जाएगी। हम लोग वही जू के 950-900 मीटर पीछे हैं और इतना रश था, इतना रश था, बस तो जैसे चींटी की चाल चल रही है। ये देख लो पीछे, मतलब आधा आधा घंटा हो गया पहुंच ही नहीं रहे थे। अभी भी दिखा रहा था बस में 15 मिनट दिखा रहा था, तो हम उतर के अब हम चल रहे हैं पैदल। गाइस फाइनली ना पहुंच गए, इतना थक गए, थकान तो सर यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गई। बस में जान निकाल दी, हम बड़े महान बने हुए, बस में जाएंगे। तो ये है एंट्रेंस। तो गाइस टिकट हमें मिल गया एसी बस का, उससे जल्दी जाने दिया क्योंकि जो भी कहाँ जाने में है एसी बस के लिए एंट्री कहाँ से। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं एसी वाले के लिए। अभी दीदी को देती हूँ, ये ब्लॉग बनाते हैं। गाइस आज के लिए आपका ब्लॉग पसंद किया मैंने चेंज, ये है साक्षी विद द सफारी एंट्री। मुझे चाहती थी यहाँ पे एसी के वो हैं 700 पर पर्सन, वी हैड परचेज एसी टिकट फॉर दैट। ओनली थिंग इज अगर आपको एसी और नॉन एसी में जाना है तो उसकी लाइन्स अलग अलग है। तो अगर आप एसी और जीप की सफारी लेते हो उसके लिए आपको लाइन में ज़्यादा नहीं लगना पड़ता। आप सिक्योरिटी पर्सन को बोल दो कि आपको एसी सफारी में जाना है, दे विल गिव यू द वे। वे टू सफारी ये रहा, यू हैड टू फॉलो ऑल द बोर्ड्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। यहाँ से निकल जा नीचे से, ये रूल का भंग करते हुए। भाई जी यहाँ पे वेटिंग एरिया है, तीन तीन वेटिंग एरिया। हम वो थर्ड वाले में बैठे थे, फिर सेकेंड में आए, अब इस फर्स्ट में आए। अब जाओ जो यहाँ पे आ जाएगा उसको फिर बस में भेजेंगे। लाइन देख के ना मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा यार वापस ही चलते। दीदी कहते नहीं नहीं आए हैं तो अभी चलते हैं इधर। फिर पता किया एसी की वेटिंग कम थी तो उसने हमको जाने दिया, और जो नॉन एसी वाले हैं उनकी बहुत लंबी लाइन थी। और यहाँ पे भी आप देखो एसी की कम ही वेटिंग है, बाकी जो रश है वो मेनली नॉन एसी वालों का ज़्यादा रश है। अब वेट कर रहे हैं, हाफ एन आवर की वेटिंग है, देन विल गो फॉर आवर सफारी राइड। और ये है हमारी एसी बस वाली सफारी, जीप की टिकट्स नहीं थी तो हमने ये वाली ले ली, शुक्र है एसी बस के लिए तो जल्दी आ गए। सो दिस इज डियर एंड आई गेस देयर इज किसी के सींग में, तो बारह सिंगा तो नहीं है पर वो देख लो आधे स्पॉट वाले और आधे स्पॉट लेस हैं, दोनों तरह के दो टाइप के। तुम लोग इस पे आ जाना, एक्चुअल जानवर देता है फोटोज में देखते तो नॉर्मल दिखते हैं उस साइड कितने आगे।
ये देखो बैल कैसे घूम रहा है, बस इधर ये मिट्टू का छोटा कितना हेरी कितना जो मैंने ये मूवी ऐसे कर रहा है, इनको चक्कर क्या चढ़ा है? ये कुछ डिफरेंट से है वो जिस काम में लगे वही काम कर रहे हैं। अगर यहाँ तीन ये मुंडियाँ घुमा रहे हैं रोटेटिंग नेक की रोटेट कर रहे हैं, वो वर्कआउट कर रहे हैं, ये वर्कआउट मोटिवेटेड बाय साक्षी। निशान लगा रहे तो। हाँ देखो हमारी गोल देखा, देखो छोटा वाला स्पॉट्स कितने सुंदर है, मतलब जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं वैसे इनके स्पॉट्स भी अलग होते हैं। अच्छा अच्छा, नाउ वी आर एंटरिंग लायन सफारी। फिर भी अभी स्पॉट करते हैं लायन, लेट्स स्पॉट द लायन। गाइस वो देखो लायन, ये कहीं वीडियो में तो दिखो, ये भी कन्फ्यूज था लायन मुंदरा ना चले गए किस तरह कितना बड़ा है ना, दिखा आपको देख लो हमारी बहन के साथ ही आ गया टाइगर, ये देखो कितना बड़ा है ये, किधर जाएगा उस साइड जाएगा, कहाँ गया देखो ओपनली घूम रहे ना, एकदम मजा आ रहा है, फीलिंग आ रही है पूरी सफारी वाली प्रॉपर। ये देखो ये चला हुआ है, जंगल का राजा सो रहा था, ज़ूम चाहिए, ये महान घूम रहे हैं, इधर शेर दिख जाए ना तो जल्दी भैया जल्दी खड़ा हुआ है वो भी मॉडलिंग करना, इसकी मॉडलिंग की तो थी। उसका कलर भी एकदम वैसा है ना, लायन और लायनेस कितनी ह्यूज है, ओ माय गॉड सारा बोल कितनी सच में क्वीन ही लग रही है, कैसे देख रही है, वही तो उसके एरिया में घूम रहे हो, हो रहा वो चला गया ना उधर से दिखेगा, आई ऑन माय वीडियो ऑन है, हां सो दैट यू डोंट मिस इट। ओ माय गॉड टाइगर, ओ गॉड अपने रेडी की वीडियो मैंने ये रहा, इधर 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 टाइगर चला गया, अरे यहां पे चला गया, बोल इधर आ जा आ जा, यहाँ से दिख रहे थे देखो देखो देखो
व्हाइट टाइगर He's roaring also. गाइस इतना मजा आया, वो जब बाद में हमें व्हाइट टाइगर लायन लायनेस दिखे ना, पूरे पैसे वसूल हो गए हमारे। अगर हमने 700 की वो एसी की टिकट ली है पर पर्सन, दैट इज लाइक वर्थ इट। मतलब यू कांट गेट सो मच इन क्लोज। पहले हमारा मूड खराब हो गया, हमें तो ये तो ज़ू वाला दिखा दिया। हां बट बेटर पार्ट में कैसे वो एनकाउंटर व्हाइट टाइगर, यू गॉट अ सच अ व्यू विद दैट, और इतना ह्यूज उसकी मसल्स देखने वाले थे, मतलब ऐसा इतना पावरफुल बने उसके पैर लग रहा था, और उसकी वॉक और लायन और लायनेस को देख के लग रहा था कि यार फॉर अ रीजन टिकट यहां मिलेगा। ठीक है, तो फॉर अ रीजन दे आर लाइक द किंग ऑफ द जंगल, और लायनेस को देख के लग रहा था पूरी क्वीन ऑफ द जंगल। हां पार्ट जो मेल पार्ट है चुपचाप बैठा और जो लायनेस है वही लग रही, वो कुछ 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 हरकतें कर ही जा रही थी। मैंने कहा इनमें भी देखना कितना फर्क है मेल और फीमेल। और अब हम आ गए हैं बटरफ्लाई पार्क, टिकट लेने आ रहे हैं। यहाँ पे एडल्ट की है 50। अब हम जा रहे हैं अंदर फोटो खिंचाने, जो हमने नहीं किया आज। सो दिस इज इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क, वही हम कह रहे हैं जू वगैरह देखा हुआ है, ये थोड़ा डिफरेंट है, बटरफ्लाई पार्क कभी नहीं देखा ना सुना, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पर इसमें टाइम लिखा था बेस्ट टाइम टू सी बटरफ्लाईज इज 9 AM से लेके 3 PM, तो 3 PM से तो ऊपर हो गया, बट स्टिल हम जा ही आते हैं, इतनी पास आए हैं तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। और मेन इशू हमें फोटो और मेन इशू गर्मी का था, वो अभी गर्मी तो है नहीं, धूप चली गई है, बादल बादल है, और यहाँ पे ऑब्वियसली हमने कभी सुना नहीं है कि बटरफ्लाई पार्क है, एक्सपीरियंस कैसी कैसी बटरफ्लाईज देखती है वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। आप लोग इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। उनके बारे में हाँ, तो गाइस यहाँ पे स्कैनर लगा, आप इसको स्कैन करो टू स्कैन टू नो मोर अबाउट विंग्ड ज्वेल्स, मतलब वही बटरफ्लाई के बारे में जानने के लिए, थोड़ी जीके के लिए। हाँ ज्वेलर्स और देखो ये देखना, आई गेस हमने साइंस में पढ़ा हुआ है अपनी 6th या 7th स्टैंडर्ड में, सो आज आप फिर पढ़ लेना क्योंकि हमें गया है भूल। आपको याद है? बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं एसी बस ऐसी है, नॉन एसी है।
सॉरी नॉन एसी ऐसी है विद ग्रिल्स, और एक और अभी जीप गई थी वो भी ऐसी है, उसमें भी ये सारी जालियां लगी होंगी। तो अगर आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए बेस्ट, ये देख लो ये जीप है, ये भी जाली वाली है। तो अगर बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो एसी बस का है, क्योंकि उसमें मिरर लगा होता है ग्लास, उसमें से आप एकदम देख सकते हो साफ। नहीं तो ये ग्रिल वाला व्यू आएगा फिर, ना वीडियोज अच्छी आएंगी ना फोटोज अच्छी आएंगी और ना एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। तो ये हमने आपको टिप एक दे दी है। ये ना पास में ही एक रेस्टोरेंट का नाम है फाइंड एन एंड लॉन्च, हम यहाँ पे आ रहे हैं। इट्स अ नाइस एम्बियंस। अभी पता नहीं कहाँ बैठेगी। आ गया हमारा खाना, मैंने बनाए मंगाए हैं चिकन फ्राइड राइस, भी वेजिटेरियन है तो हमने मंगाया ये पालक पनीर प्लस गार्लिक नान। और